तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट। तो आप लोगों को पता है कि कल उस हमारे एसएससी का जो नया टेंटेटिव शेड्यूल है वो आ चुका है। उसकी वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 4 महीने 4 मंथ्स हैं हमारे लिए एग्ज़ाम को निकालने के लिए, उसे करने के लिए। ठीक है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस 4 महीने में हमारी प्रिपरेशन हो जाए आप और मैं मिलकर दोनों। और इस अब हम थोड़ी स्पीड बढ़ा देंगे वीडियोस को लाने की, जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो सके। ठीक है, तो आज ये एक पूरा एक मैं चैप्टर लेकर आया हूँ, इंडियन इकोनॉमी का पार्ट 9 है ये। ठीक है, और इसके अंदर हम बात करेंगे, जो हमारा टॉपिक है वो है इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है, पर उससे पहले अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और लाइक भी कर दीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे, जो हमारा टॉपिक है वो है इकोनॉमिक प्लानिंग का। ठीक है, देखिए ये है इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है? देखिए, हर आप चाहे अगर बेसिक भाषा में समझे तो आप घर में, जैसे आपकी मदर हैं वो घर को संभाल रही हैं, उनके पास वो कुछ एक स्पेसिफिक रिसोर्स है। कुछ भैया, जैसे आपके फादर कमा के लाए 10,000 रुपये, तो उन्होंने 10,000 रुपये दे दिए आपकी मदर को कि 10,000 रुपये हैं, अब तुझे जैसे घर चलाना है तो मैं जैसे चलाना है वैसे चलाइए। तो उनके पास एक लिमिटेड अमाउंट है। ठीक है, और उस लिमिटेड अमाउंट में उन्हें मंथली उनका खर्चा निकालना है। ठीक है, तो ऐसे नहीं कि वो कुछ भी खर्च कर देंगे, उन्हें एक प्लानिंग के हिसाब से खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, पूरा एक प्रोसीजर बनाना पड़ेगा, क्या कहाँ कहाँ कितना खर्च करना है। ठीक है, क्या क्या चीज़ कितनी आनी चाहिए, तो मतलब उसी को हम प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, और वहाँ पर मनी जुड़ गया या हमारा उनका एक रिसोर्सेज जुड़ गया, तो वो इकोनॉमिक प्लानिंग हो गया था। ठीक है, उसी को इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं सिंपल भाषा में। ठीक है, तो वही उसी बारे में बात करेंगे, पर यहाँ पर बात घर की नहीं, यहाँ पर एक कंट्री की बात होगी। ठीक है, एक एरिया की बात होगी और एक ग्रुप ऑफ पर्सन की बात होगी, सिंगल आपकी फैमिली की बात नहीं करेंगे। ठीक है, उसी को लार्ज वे में हम देखेंगे। देखते हैं कुछ बड़ा हो जाए तो बस वही बात करेंगे, कुछ बड़े वे में देखेंगे। पर सिंपल भाषा में वही होता है, जैसे आपकी मदर घर को संभालती हैं, बिल्कुल उसी को इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला है इंट्रोडक्शन, कि इंट्रोडक्शन मतलब ये होता क्या है। ठीक है, इस इंट्रोडक्शन की बात करें तो सीधी भाषा में देखिए, पहला टॉपिक जो पहला पॉइंट जो हमारा वो क्या कह रहा है, इन ऑर्डर नॉट टू लिमिट द डिस्कशन ऑन इकोनॉमिक प्लानिंग टू जस्ट एन एकेडमिक एक्सरसाइज, वी नीड टू डिस्कस इट टेकिंग द रियल लाइफ एग्जाम्पल्स फ्रॉम द डिफरेंट इकोनॉमीज। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि ये सिर्फ एक डिस्कशन नहीं है एकेडमिक एक्सरसाइज का, यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल्स फ्रॉम डिफरेंट इकोनॉमीज। ठीक है, यहाँ पर हमें रियल लाइफ एग्जाम्पल देखने पड़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, हमें रियल लाइफ एग्जाम्पल देखने हैं। उसके बाद जो हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट, वो है कि विदाउट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है, ये हमारा टू प्लानिंग वी वुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड रोल ऑफ प्लानिंग। ठीक है, देखिए अब क्या कह रहा है, एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपके घर में 5 लोग हैं, 5 मेंबर्स हैं। ठीक है, और आपकी मदर को सबके बारे में पता कि कौन कितना कहाँ कहाँ क्या खर्च करता है, तभी तो वो प्लानिंग कर पाएंगी। अब मान लीजिए कि आपके घर में 2 नए मेंबर आ गए, आपकी मदर को बिल्कुल नहीं पता कि वो क्या खाते हैं, क्या करते हैं, क्या क्या उनका एक्सपेंडिचर्स हैं, वो क्या क्या आप यूज़ मतलब कितना रुपये खर्च करेंगे, तो प्लानिंग करने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, क्योंकि उनको उनकी हिस्ट्री नहीं पता। ठीक है, तो बस वही बात ये कह रहे हैं कि अब जब तक हमें अपना हिस्ट्री बैकग्राउंड ही नहीं पता होगा कि हमारा जो कंट्री है वो कैसे कैसे ग्रो कर रहा है, कैसे कैसे कहाँ कहाँ खर्च हो रहे हैं, ठीक है, तो हम प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का बहुत बड़ा रोल है प्लानिंग इन, ठीक है, प्लानिंग ऑफ अ कंट्री या इकोनॉमिक प्लानिंग में। ठीक है, तो ये है 2 पॉइंट। ठीक है, ये इसका इंट्रोडक्शन है। उसके बाद आता है हमारी डेफिनेशन। ठीक है, अब बात करेंगे हम डेफिनेशन के बारे में। तो डेफिनेशन क्या कहती है हमारी, डेफिनेशन कहती है अ प्रोसेस ऑफ रियलाइजिंग वेल डिफाइंड गोल्स बाय ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज। ठीक है, तो बिल्कुल वही कह रहा है कि एक प्रोसेस, ठीक है, जो हमारा गोल है, ठीक है, उसको रियलाइज़ करने या वहाँ तक पहुँचने के लिए हम अपने रिसोर्सेज का जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं अवेलेबल रिसोर्सेज का, उसी को हम प्लानिंग कहते हैं या फिर इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, अब सेकंड डेफिनेशन अगर इसी को थोड़ा और बड़े वे में कहें, एन इकोनॉमिक प्लान इज सिंपली अ सेट ऑफ स्पेसिफिक इकोनॉमिक, ठीक है, टू टारगेट टू बी अचीव्ड इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम विद अ स्टेटेड स्ट्रेटजी। ठीक है, इकोनॉमिक प्लान्स में भी आइदर कंप्रहेंसिव और पार्शियल। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि इकोनॉमिक प्लान क्या होता है, एक स्पेसिफिक इकोनॉमिक टारगेट होते हैं जिनको हमें अचीव करना होता है।
ठीक है, कि एक टारगेट बना दिया कि यार हमारी कंट्री को इतनी जीडीपी पहुंचानी है नेक्स्ट ईयर में, तो ठीक है, तो ये एक टारगेट हो गया। इसके हिसाब से हम प्लानिंग करेंगे, वहाँ तक पहुँचने के लिए हम अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे और फिर उसको अचीव करेंगे। ठीक है, ये दो तरह का हो सकता है, कॉम्प्रिहेंसिव और पार्शली। अब देखिए कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है, ठीक है, अगर कॉम्प्रिहेंसिव की बात करें तो देखिए, अब कॉम्प्रिहेंसिव है, कॉम्प्रिहेंसिव सेट टारगेट्स टू कवर ऑल मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी। एक तरह के ना पूरा एक ग्रुप में लेके चलता है, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब हमने एक पूरे मेजर एस्पेक्ट को लेके चला, हमने अलग अलग चीज़ों को नहीं देखा, ठीक है, एक ग्रुप में चल रहे हैं। और पार्शियल प्लान क्या होता है, जहाँ पर हम चीज़ों को अलग अलग बांट लेते हैं, अलग अलग पार्ट्स में बांट लेते हैं और फिर हम उसमें टारगेट करते हैं। जैसे अगर बात करें इकोनॉमी की हमारे, तो पहले तो अगर ओवरऑल इकोनॉमी में देखें तो कॉम्प्रिहेंसिव हो गया, पर अगर पार्शली देखें मतलब एग्रीकल्चर की अलग देखें, इंडस्ट्री की अलग देखें, पब्लिक सेक्टर की अलग देखें, तो वो हमारा पार्शल प्लान हो जाता है। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि इसमें प्लानिंग हमारी तीन प्रकार की होती है। ठीक है, प्लानिंग को हम क्या क्या मानते हैं, प्लानिंग इज अ प्रोसेस। ठीक है, प्लानिंग क्या है, एक प्रोसेस है। ठीक है, प्रोसेस कैसे है, प्लानिंग उसका मतलब है कि प्लानिंग जब हम करते हैं तो उसको पूरा एक वेल मेंटेन करके चलाने के लिए, ठीक है, क्या क्या रिसोर्सेस हैं उसको बनाने के लिए पूरी प्रोसेस लगती है, तो प्लानिंग वो प्रोसेस है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, कि प्लानिंग मस्ट हैव ए वेल डिफाइंड गोल्स। ठीक है, तो जब तक हमारे पास कोई गोल नहीं होगा तब तक हम उसके हिसाब से प्लानिंग ही नहीं कर सकते। ठीक है, जब आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपको पता है कि यार क्रिकेट में मेरे को 200 रन बनाने, अगर 20 ओवर्स में, तो उस हिसाब से शुरुआत से ही तेज खेलेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि आपको 100 रन बनाने हैं 120 बॉल्स में, तो आप धीरे खेलेंगे कि यार हमारे पास बहुत बॉल हैं, तो उसी हिसाब से हमारे पास एक डिफाइंड गोल होना चाहिए, तभी हम उसके हिसाब से प्लानिंग कर पाएंगे। ठीक है, पर प्लस ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्स, ये हमारा थर्ड पॉइंट है। ठीक है, इसमें क्या है कि जब हमारे पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उस हिसाब से प्लानिंग करना। ठीक है, तो ये हैं तीन पॉइंट प्लानिंग के। अब आता है ओरिजिन एंड एक्सपेंशन ऑफ प्लानिंग। ठीक है, कि ओरिजिन और एक्सपेंशन ऑफ प्लानिंग कहाँ से हुआ। ठीक है, तो अगर पहले पॉइंट की हम बात करें, प्लानिंग एज अ मेथड ऑफ अचीविंग फास्टर इकोनॉमिक ग्रुप प्रोग्रेस, ठीक हैज़ बीन ट्राइड बाई डिफरेंट कंट्रीज एट डिफरेंट टाइम्स एंड एट डिफरेंट लेवल्स। वो क्या कह रहा है कि जो हमारी प्लानिंग होती है, इकोनॉमिक प्लानिंग, वो फास्टर इकोनॉमिक प्रोग्रेस को अचीव करने के लिए होती है। ठीक है, कि हम ज़्यादा हम प्रोग्रेस कर पाएँ, और यह डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट टाइप्स की और डिफरेंट लेवल की होती है। ठीक है, सब जगह अलग अलग होती है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है, ये कितने टाइप की होती है। ठीक है, ये रीजनल और नेशनल प्लानिंग के टाइप्स होते हैं। रीजनल प्लानिंग क्या है, जो हम एक रीजनल और रूरल की बात करें, ठीक है, एक छोटे से एरिया की बात करें, उसको कहते हैं हम रीजनल प्लानिंग। ठीक है, इट वाज अ रीजनल प्लानिंग लेवल। ठीक है, दैट प्लानिंग यूज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट पॉलिसी बाय एनी कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम। इट वाज द यूएसए विच स्टार्टेड द फर्स्ट रीजनल प्लानिंग आफ्टर द टेनसी वैली अथॉरिटी टीवीए वाज सेट अप इन 1916। तो क्या कह रहा है कि जब हम पहली बार हम किसी एक छोटे से एरिया में कोई पॉलिसी अप्लाई कर रहे होते हैं प्लानिंग की, तो वो हमारी रीजनल प्लानिंग कहलाती है। और ये पहली बार ये अमेरिका ने स्टार्ट की थी, यूएसए ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने की थी, टीवीए की जो हमारी अथॉरिटी है उसके बनने के बाद, जो 1916 में बनी थी। ठीक है, तो पहली बार रीजनल प्लान किसने अप्लाई की थी, हमारी है यूएसए ने। और नेशनल प्लान किसने अप्लाई की थी, वो की थी सॉरी वो की थी रसिया ने। ठीक है, तो नेशनल प्लानिंग पहली बार किसने की थी, रसिया ने। रीजनल प्लानिंग की थी यूएसए ने। नेशनल प्लानिंग क्या होता है, ये होता था ऑफिशियल एक्सपेरिमेंट इन द एरिया ऑफ नेशनल प्लानिंग इज रूटेड इन द बोलेवस्की रेवोल्यूशन ऑफ रसिया। ठीक है, यह रसिया में शुरू हुआ था 1917 में, सोवियत यूनियन के टाइम में। ठीक है, और एक वो थे आदमी जो जोसेफ सेटलिन स्टेलिन, ठीक है, उन्होंने अनाउंस की थी ये पॉलिसी, जो सेंट्रल प्लानिंग भी कह सकते हैं। सेंट्रल प्लानिंग का मतलब एक पूरे सेंटर को लेके, एक पूरी जो सेंटर से प्लानिंग चलती है जो पूरी कंट्री को कवर करती है, ठीक है, उसे हम सेंट्रल प्लानिंग भी कह सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा, ठीक है, तो उसके बाद आता है हमारा रीजनिंग टाइप्स ऑफ प्लानिंग। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ प्लानिंग, जो हमारा देखिए वो भी हमारा कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला होता है इम्परेटिव है, और उसके बाद जो सेकंड आता है हमारा वो आता है इंडिकेटिव। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करेंगे पहले इम्परेटिव प्लानिंग क्या होती है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है, आपको इसमें सीधा समझा कि प्लानिंग प्रोसेस फॉलोड बाय द स्टेट इकोनॉमीज़। ठीक है, ये स्टेट इकोनॉमीज़ पे चलती है, मतलब सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट, दो टाइप की हो सकती है। ठीक है, और इसको हम इम्परेटिव प्लानिंग के नाम से जानते हैं।
ये प्लानिंग कैसी है? देखिए, सच प्लानिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज डायरेक्टिव और टारगेट प्लानिंग। इसको हम डायरेक्टिव और टारगेट प्लानिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, सोशलिस्ट अब कम्युनिस्ट कैसे होगी ये हम जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टेट इकोनॉमीज के हिसाब से जो फॉलो करें वो होती है इंपरेटिव प्लानिंग। ये दो टाइप की हो सकती है, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट। ठीक है, इसको हम डायरेक्टिव और टारगेट प्लानिंग भी कह सकते हैं। अब ये क्या होती है? देखिए, सच प्लानिंग है टू मेन वेरियंट्स इन सोशलिस्ट सिस्टम। ऑल इकोनॉमिक डिसीजन वर सेंट्रलाइज इन द हैंड ऑफ स्टेट विद कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज। ये क्या कह रहा है कि जो सोशलिस्ट होती है यहाँ पर जो पूरी पावर होती है वो स्टेट की जो सेंट्रलाइज ओनरशिप होती है उसके पास होती है। ठीक है, एक्सेप्ट लेबर्स, लेबर्स को हटा दीजिए, उनके पास पावर नहीं होती। और कम्युनिस्ट सिस्टम क्या होता है? जो चाइना में था, जो हमारा पुराना चाइना था, ठीक है, वहाँ पर थी। वहाँ पर क्या था कि ये जो पावर होती है पूरी स्टेट के पास होती है और उसमें हमारे जो लेबर्स हैं वो भी इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, अब बेसिक फीचर्स हैं प्लानिंग के इम्परेटिव, उसके क्या है? पहला देखिए, पहला क्या है कि न्यूमेरिकल टारगेट होते हैं। ठीक है, हमारे पास इसमें न्यूमेरिकल टारगेट रहते हैं। डेवलपमेंट्स आर सेट बाय प्लान्स, फॉर एग्जांपल 5 लाख टन्स ऑफ स्टील, ठीक है, 2 लाख टन्स ऑफ सीमेंट, 10,000 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे, 5,000 प्राइमरी स्कूल। ठीक है, यहाँ पर सारे जो नंबर बेस्ड टारगेट हैं कि यार हमें इतने टन इतना चाहिए, इतना टन ये चाहिए, इतने किलोमीटर के हाईवे चाहिए और इतने किलोमीटर का प्राइमरी स्कूल बनाना है। ठीक है, इतने 1,000 प्राइमरी स्कूल बनाने हैं। ठीक है, तो ये होता है न्यूमेरिकल टारगेट। ठीक है, ये इसका फीचर है हमारे इम्परेटिव का। प्लस सेकेंड हमारा, एज द स्टेट कंट्रोल द ओनरशिप राइट्स ओवर द रिसोर्सेज, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल टू रियलाइज अबव सिटेड प्लान टारगेट्स। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो स्टेट कंट्रोल ओनरशिप है हमारे पास, जिसकी वजह से हमें एक पॉसिबल रियलाइजेशन मिल जाता है कोई भी टारगेट को प्लान करने का, क्योंकि हमें इतने बड़े एरिया में नहीं, एक मतलब एक लिमिटेड एरिया में करना है। ठीक है, कंट्री बहुत बड़ी हो जाती है, स्टेट्स थोड़ी सी छोटी हो जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या रहता है, देखिए थर्ड पॉइंट है कि हमारा नो रोल फॉर द मार्केट, नो प्राइस मैकेनिज्म। ठीक है, यहाँ पर मार्केट का कोई रोल नहीं है, क्योंकि जो प्राइस होता है वो सब हमारा जो सेंटर है वो डिसाइड करता है। ठीक है, मार्केट में क्या बिकना है क्या नहीं बिकना वो सब डिपेंड नहीं करता मार्केट का, वो डिपेंड करता है हमारे जो सेंट्रलाइज ओनरशिप है वो डिपेंड करता है। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो नो पार्टिसिपेशन ऑफ द इकॉनमी, नो प्राइवेट पार्टिसिपेशन ऑफ द इकॉनमी, ओनली स्टेट प्लेड द इकोनॉमिक रोल। ठीक है, वही ये कह रहे हैं कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन कुछ नहीं होता कि हाँ भाई मैं गया और मैंने कुछ शेयर्स खरीद ली और मैं वहाँ का कुछ प्राइवेट पार्टिसिपेशन मैंने ले लिया और मैं एक पार्टनर बन गया, तो ऐसा नहीं है। तो सारा जो रोल होता है वो स्टेट ही निभाती है। ठीक है, इकोनॉमिक रोल जो है, तो यहाँ पर प्राइवेट पार्टिसिपेशन नहीं है। ठीक है, तो पहला क्या है, न्यूमेरिक टारगेट्स। सेकेंड क्या है, स्टेट कंट्रोल द ओनरशिप राइट्स। ठीक है, थर्ड क्या है, नो रूल फॉर द मार्केट और नो प्राइस मैकेनिज्म। और फोर्थ क्या है, नो प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन द इकोनमी। ठीक है, और हम इसको सेंट्रल इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। ठीक है, ये इकोनमी हमारी जो होती है वो सेंट्रल इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानी जा सकती है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इंडिकेटिव प्लानिंग। ठीक है, इंडिकेटिव प्लानिंग क्या होता है? देखिए, अगर इंडिकेटिव प्लानिंग की बात करें तो इसको क्या कहेंगे, द आइडिया ऑफ प्लानिंग गॉट अटेंशन फ्रॉम द डेमोक्रेटिक वर्ल्ड। ठीक है, वो क्या था, हमारा कम्युनिस्ट और हमारा सोशलिस्ट था, ये हमारा डेमोक्रेटिक आ गया। ठीक है, अ टाइम केम व्हेन सम सच इकोनॉमीज स्टार्टेड नेशनल प्लानिंग। ठीक है, एज दे वर नाइदर द स्टेट नॉर द इकोनॉमिक्स नॉर द कम्युनिस्ट सोशलिस्ट पॉलिटिकल सिस्टम, द नेचर ऑफ देयर प्लानिंग वाज टू बी डिफरेंट फ्रॉम द कमांड इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप ये कह रहे हैं कि ना ही कम्युनिस्ट होगा ना ही सोशलिस्ट पॉलिटिकल सिस्टम होगा। ठीक है, यहाँ ये पूरा एक डेमोक्रेटिक वर्ल्ड होगा, यहाँ पर कोई एक सेंटर के पास पूरी पावर नहीं रहती है। ठीक है, सबको समान अधिकार दिए जाते हैं वगैरह वगैरह, जो आपको पता है डेमोक्रेटिक कंट्री का होता है, वही इंडिकेटिव प्लानिंग होता है। ठीक है, अब इसके कुछ फीचर्स हैं, वो फीचर्स क्या हैं कि पहला फीचर क्या कह रहा है कि एक एवरी इकोनॉमी फॉलोइंग द इंडिकेटिव वर्ड मिक्स्ड इकोनॉमी। पहली बात तो ये समझिए कि जितनी भी इकोनॉमी होंगी अगर वो इंडिकेटिव प्लानिंग के थ्रू चल रही है तो वो मिक्स्ड इकोनॉमी होगी। जैसे हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो वो इंडिकेटिव प्लानिंग पर चलती है। ठीक है, सेकेंड है हमारा, अनलाइक अ सेंट्रली प्लान्ड इकॉनमी। ठीक है, सेंट्रली प्लान्ड इकॉनमी कंट्रीज फॉलोड इंपरेटिव प्लानिंग
इंडिकेटिव प्लानिंग वर्क्स थ्रू द मार्केट प्राइस सिस्टम रादर देन द रिप्लेस इट। तो क्या कह रहा है कि मार्केट प्राइस पे ही बेस्ड होता है, ये नहीं कि हमने अपनी मर्जी को बनी थी, हमें मार्केट के प्राइस के हिसाब से चलना पड़ता है, ठीक है यहाँ पे। थर्ड है हमारा साइड बाय साइड सेटिंग न्यूमेरिकल और क्वान्टिटेटिव टारगेट, ठीक है। अ सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ इंडिकेटिव नेचर इज ऑल्सो अनाउंड बाय द इकोनॉमिस्ट टू रियलाइज दैट प्लान टारगेट, ठीक है। तो यहाँ पर हम न्यूमेरिकल और क्वान्टिटेटिव टारगेट दोनों रख सकते हैं। हमें इसके जरिए रियलाइज़ करना होता है जो हमारा प्लान टारगेट या हमारा जो रियल टारगेट होता है वो हमें अनाउंस करना पड़ता है, ठीक है। फोर्थ है हमारा द इंडिकेटिव नेचर ऑफ इकोनॉमी पॉलिसी विच आर अनाउंसड इन सच प्लानिंग बेसिकली इनकरेज और डिस्करेज द प्राइवेट सेक्टर इन इट्स प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि द इंडिकेटिव नेचर जो हमारे इकोनॉमी का है, ठीक है, वो जो प्लानिंग होती है उसको कभी कभार इनकरेज और डिस्करेज भी कर देता है प्राइवेट सेक्टर के बेस्ड पे, ठीक है। और जो प्राइवेट सेक्टर की प्रोसेस होती है ना वो डिसीजन मेकिंग की होती है कि भाई हमें डिसीजन लेना है कि हमें क्या करना है, ठीक है। हमारे ऊपर कोई थोप नहीं सकता कोई भी चीज़, तो ये होती है हमारी इंडिकेटिव प्लानिंग, ठीक है। तो ये था पूरा एक चैप्टर की जो हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग कैसी होती है, क्या होती है, ठीक है, कितने टाइप्स की होती हैं। तो समझ गए ना आप, इकोनॉमिक प्लानिंग आपको अब शायद समझ में आ गई होगी पूरी। तो अब मेरे को नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन आपका चाहे वो थ्योरेटिकल हो चाहे आपका एमसीक्यू हो जो इकोनॉमिक प्लानिंग से बेस्ड नहीं आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि आपको लॉजिक समझाऊँ। क्वेश्चंस के लिए मैं एमसीक्यूज अलग कराता रहता हूँ, वो टॉप 20 एमसीक्यूज वाली जो मेरी सीरीज़ है वहाँ पर चलते रहते हैं। यहाँ मैं सिर्फ आपको लॉजिक समझा रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन नहीं करवाऊँगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आएगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा नीचे, ठीक है। और ज़्यादा बात करनी है तो आप मेरे ही फेसबुक के चैनल SSC Mindset पर आके मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।